दी है अभी क्लास आर्ट क्लासेस। मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि आप ऑयल पेस्टर से एकदम अच्छे तरीके से कैसे ऑयल पेस्टर को ब्लेंड करके अच्छा शेड बना सकते हैं। देखो लग रहे हैं ना एकदम अच्छा शेड, मैं आपको यही कलर का शेड बना के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आपको कैसे बनाना है। तो आप इसी टाइप से दूसरे कलर के भी शेड्स बनाना। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बना रहा हूँ, पहले हम ये ब्लू वाला बनाते हैं। एक हमें पेपर लेना है, टिशू और ब्लेंड, एंड इसका एक ब्लैक कलर और एक लाइट कलर चाहिए। दोस्तों मैं पहले ये ब्लू वाला करने वाला हूँ, तो मैं पहले एक ब्लू का डार्क कलर चाहिए फिर लाइट कलर। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम थोड़ा अच्छे से ब्लू का ये डार्क कलर करेंगे। आपको कहीं भी थोड़ी सी भी जगह नहीं छोड़नी, एकदम डार्क करना है। ओके ऐसे एकदम डार्क करना है। हो गया, मैं तो अभी बस बता रहा हूँ। थोड़ा फिर से लेना है, ऐसे ऐसे चालू करना है अच्छे से। यहाँ पे भी कर देना है, और इसके ऊपर भी थोड़ा ऐसे ऐसे घुमा देना है कि वो थोड़ा अच्छा इसके तरह वो आ जाए। एकदम डार्क करना है। फिर आपको टिश्यू पेपर लेना है। ये मेरे पास फट गया, मेरा पंखे से उड़ गया था तो मैं लेने गया तो फट गया, सॉरी। इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे किया। अरे ये जो कलर है वो अच्छे से फैल जाएगा, आप ज़्यादा कलर मत करना। आपको एकदम अच्छे से टिश्यू लगाना है। ये देखो ये सेम दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा डार्क है, ये डार्क है और ये लाइट, और दोनों मिक्स हो गए। मैं आपको इसमें मिक्स करके दिखाता हूँ। इसमें मैंने इसलिए मिक्स नहीं किया कि आपको बाद में बताऊंगा अच्छे से। देखो ये ऐसा डार्क किया, फिर ये ही टिश्यू से कभी ऐसे कर दिया। मैंने थोड़ा अलग रखा था कि आप पहचान सको कि ये गलत हुआ है, तो मैं आपको बता पाऊँ कि ऐसा ऐसा है। देखो ये डार्क ये लाइट, इसमें ये थोड़ा छोटा है ना इसीलिए बराबर नहीं हुआ, और ये जो एक्स्ट्रा है ना इससे ना अपन ऐसे ना उंगली से निकाल दो, हाथ से निकाल दीजिए। देखिए टिश्यू पेपर कितना गंदा हो गया, देगी। देखो कितना हो गया ना अच्छा। अभी मैं आपको ये वाला करके दिखाता हूँ, ग्रीन, ये वाला, ये नहीं पेज पर तो बड़ा। ओके पहले हम कौन सा कलर करेंगे, पहले वो इसमें जब भी ऑयल पे, तो दोस्तों ऑयल पेस्टर में जो भी पहले मतलब कि वो किया जाता है वो पहले डार्क कलर से चालू किया जाता है, आपको पता है ना? नहीं पता तो अभी मैंने बता दिया। हमको एकदम अच्छे से डार्क कलर करना है ऐसा, इस तरह से झड़का लेना है। हम दूसरे टिश्यू पेपर भी लाए हैं, उसके आगे थोड़ा उसका लाइट लाइट करना है, और छोटी भी जगह नहीं छोड़नी है, तो वो अच्छे से लाइन नहीं होगा। थोड़ा इसमें भी ऐसे ऐसे मार देना कि थोड़ा इस तक आए, ये येलो, थोड़ा येलो इसमें भी लगा देना अच्छे से। या फिर वो थोड़ा स्केच पेन से गंदा हो गया था, मैंने वापस से फ्रेश टिश्यू पे लिया क्योंकि वो मुझे फट गया था ये वाला। Yeah.
प्लान कर करके मैं पेज कर दिया, सॉरी लिंक ला क्या से नॉप स्केल से किसी कुछ जाएगा ठीक। तो देखो अभी आप बता सकते हो उसमें क्या डिफरेंट है, बस यहाँ पे थोड़ा कलर दे दे, ये लाइट ये थोड़ा ये एकदम मिक्स हो गया, ये थोड़ा मिक्स नहीं हुआ है पर जाने दो, पर शेड तो वैसे ही है ना। और ये देखो छोटा मैंने पतले में किया है, छोटा मैंने मोटे में किया है, समझ में आया शेड है ना, ठीक है। और आपको अगर आपको मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक ले बाय, हम खुद से वीडियो मिलते हैं, बाय।